नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र सिंह बाजी, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज है 20 मई 2020 और आज आपके लिए फिर से एक अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम टाटा पावर ने फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए कितने डिविडेंट या लाभांश की घोषणा की है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम टाटा पावर के क्वार्टर फोर 2020 और फाइनेंशियल ईयर 2020 के रिजल्ट का विस्तारपूर्वक विश्लेषण भी करेंगे तथा वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि किस प्राइस रेंज में हमें टाटा पावर लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों 19 मई 2020 को टाटा पावर के द्वारा देखिए BSE लिमिटेड और NSE लिमिटेड को जो है रिजल्ट जो है कम्युनिकेट किया गया है, ठीक है, और ये ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 को, ठीक है। दोस्तों देखिए, दोस्तों कंपनियां जो हैं दो प्रकार का रिजल्ट जारी करती है, एक कंसोलिडेट और एक होता है स्टैंड अलोन रिजल्ट। थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, कंसोलिडेट या एकीकृत रिजल्ट का मतलब होता है कि किसी कई जो कंपनियाँ होती हैं उनकी बहुत सारी सब्सिडियरीज कंपनी होती हैं, ठीक है, तो उन सारी कंपनी से जो आय प्राप्त होती है उनको और साथ में खुद की जो पेरेंट कंपनी होती है उसको मिलाकर जो रिजल्ट जारी किया जाता है उसको कंसोलिडेट रिजल्ट बोला जाता है। और कंपनी का खुद का जो रिजल्ट होता है, यानी सब्सिडियरी कंपनियों के अलावा खुद का पर्सनल जो रिजल्ट होता है उसको स्टैंड अलोन रिजल्ट बोलते हैं। दोस्तों अब एक और इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में आपको बताता हूँ, डिविडेंड के बारे में कि इस साल जो है साल के अंदर जो है टाटा पावर ने डिविडेंड कितना पे आउट किया था। देखिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो है डिविडेंड यानी लाभांश की घोषणा की है, कितने की, 1.55 रुपये पर इक्विटी शेयर। यानी दोस्तों आपको बता दूँ कि एक अगर आपके पास में टाटा पावर का एक शेयर है तो उसके ऊपर आपको 1.55 रुपये का डिविडेंड या लाभांश सीधा आपके बैंक खाते के अंदर मिलेगा। अब आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए आपके पास कितने शेयर हैं, उसके हिसाब से आपको जो है डिविडेंड जो है आपके सीधे बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। दोस्तों टाटा पावर के शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपया है, तो इस फेस वैल्यू की तुलना के अंदर अगर डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने 155% का डिविडेंड जो है पे आउट किया है, ठीक है, अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है, ईयर एंड 31 मार्च 2020 को। तो दोस्तों टाटा जो समूह है वो अपने शेयरधारकों का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखता है और जो भी डिविडेंड जो लाभांश आता है उसको कंपनी अपने शेयरधारकों के अंदर अच्छी तरह से वितरित करती है। दोस्तों टाटा पावर जो है अन्य सेक्टर में काम करने के लिए बहुत सारी सब्सिडियरीज कंपनीज भी बना रखी है। दोस्तों टाटा पावर के पास में जो है टोटल 12 सब्सिडियरीज कंपनीज है, ठीक है, तो उन टोटल जो कंपनीज हैं उनके द्वारा देखिए टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम जो है इस साल क्वार्टर फोर के अंदर 110 करोड़ रुपए की हुई और पूरे साल के अंदर जो है 427.15 करोड़ रुपये की जो है कंप्रेहेंसिव इनकम हुई। दोस्तों ये जो हैं टाटा जो पावर है उसकी देखिए ये सब्सिडियरीज कंपनीज हैं, ये सारी जो है देखिए सब्सिडियरीज कंपनीज हैं। आप देख सकते हैं कि इधर जो है कंट्रीज भी हैं, ये सिंगापुर वगैरह, ठीक है, इंडिया, और देखिए बहुत सारे जो देश के अंदर भी जो है ये सारी सब्सिडियरीज कंपनीज अवेलेबल हैं। दोस्तों यह आप देख सकते हैं कि टाटा पावर के द्वारा जो है कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट जारी किया गया फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि इस जो कॉलम के अंदर ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट है, इस कॉलम के अंदर जो है इस साल के क्वार्टर फोर का रिजल्ट है, इस कॉलम के अंदर इस साल के क्वार्टर थ्री का रिजल्ट है और इस कॉलम के अंदर जो है पिछले साल के क्वार्टर फोर का रिजल्ट है और इस कॉलम के अंदर जो है सालाना रिजल्ट है इस साल का जो ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2020 को और इस कॉलम के अंदर जो है 31 मार्च 2019 को जो ईयर एंड हुआ था उसका फाइनेंशियली रिजल्ट है। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकम की। देखिए इनकम दो तरीके से है, इसकी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम सब्सिडियरीज कंपनी से। तो देखिए दोस्तों टोटल इनकम की बात कर लेते हैं, तो टोटल इनकम देखिए यह है, देखिए इस साल के क्वार्टर फोर के अंदर टाटा पावर को 6793.95 करोड़ रुपये का टोटल इनकम हुई और क्वार्टर थ्री के अंदर ये टोटल इनकम थी 7136.04 करोड़ रुपये। तो इसकी तुलना के अंदर देखिए क्वार्टर थ्री की तुलना में क्वार्टर फोर के अंदर देखिए इनकम के अंदर थोड़ी कमी देखने को मिली, लेकिन देखिए दोस्तों पिछले साल देखिए क्वार्टर फोर के अंदर कंपनी को 7416.49 करोड़ रुपए की टोटल इनकम हुई थी, तो उसकी तुलना के अंदर इस साल क्वार्टर फोर के अंदर देखिए 6793.95 करोड़ रुपए की टोटल इनकम हुई जो कम है। अब देखिए ईयर ऑन ईयर की बात कर लेते हैं, पिछले साल
जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019 को कंप्लीट होता है उसके अंदर टोटल इनकम जो है 30,267.21 करोड़ रुपए की हुई थी। और देखिए दोस्तों, इस साल जो है 31 मार्च 2020 को जो ईयर एंड हुआ है उसके अंदर टोटल इनकम जो है 29,698.98 करोड़ रुपए की हुई। तो यहाँ टोटल इनकम हल्की सी कम है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेज की। देखिए एक्सपेंसेज बहुत होता है, कॉस्ट ऑफ पावर परचेज, कॉस्ट ऑफ फ्यूल, ठीक है, ट्रांसमिशन चार्ज, रॉ मटेरियल्स, ठीक है, यानी कहने का मतलब जो है बहुत सारे प्रकार के जो है फाइनेंशियल कॉस्ट आती है, अदर एक्सपेंसेज आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की बहुत सारी जो है कंपनी के ऊपर बहुत सारी कॉस्ट आती है। तो देखिए टोटल एक्सपेंसेज की जो है बात कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेज इसकी बात कर लेते हैं, यानी टोटल खर्चे जो है कितने हुए। देखिए इस साल के क्वार्टर फोर के अंदर टोटल एक्सपेंसेज 6,819 करोड़ रुपए का हुआ, क्वार्टर थ्री के अंदर 7,067.17 करोड़ रुपए का हुआ था, ठीक है। और पिछले साल के क्वार्टर फोर के अंदर जो है टोटल एक्सपेंसेज 7,593.67 हुआ था। तो यहाँ देखिए पिछले साल के क्वार्टर फोर की तुलना में इस साल के क्वार्टर फोर के अंदर जो है एक्सपेंसेज के अंदर भी जो है कमी की गई है। दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देख लेते हैं, टोटल एक्सपेंसेज जो है पिछले साल जो 2019 का जो ईयर एंड हुआ था 31 मार्च 2019 को, उसके अंदर टोटल एक्सपेंसेज 29,699.05 करोड़ रुपए। और इस साल जो 31 मार्च 2020 को जो ईयर एंड हुआ है उसके अंदर जो है टोटल एक्सपेंसेज जो है सालाना 28,320.84 करोड़ रुपये था, ये सॉरी है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली हम नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए नंबर 13 के अंदर प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ठीक है, यानी टोटल पीरियड के अंदर जो है टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जो टोटल जो प्रॉफिट है ये है, ठीक है, इस कॉलम के अंदर है। तो देखिए क्वार्टर फोर, इस साल के क्वार्टर फोर के अंदर जो है टाटा पावर को 474.70 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ। क्वार्टर थ्री के अंदर जो है शुद्ध मुनाफा था 262 करोड़ रुपये। और देखिए पिछले साल के क्वार्टर फोर के अंदर कंपनी को जो है पिछले साल के क्वार्टर फोर के अंदर कंपनी को जो है 171.57 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पिछले साल के क्वार्टर फोर की जो तुलना के अंदर इस साल के क्वार्टर फोर के अंदर कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और ये ग्रोथ जो है जो नेट प्रॉफिट के अंदर जो ग्रोथ है वह है 177% है। दोस्तों 177% की ग्रोथ देखने को मिली है यहाँ पर, जो बहुत अच्छी शानदार ग्रोथ है। और अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि ये जो प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है उसका जो मेन जो कारण है वह है कार्नेगी। दोस्तों कार्नेगी जो एक कंपनी है उसके अंदर इसने जो है निवेश किया था, तो जो कार्नेगी के अंदर जो निवेश की जो बिक्री हुई थी, ठीक है, उसकी वजह से कंपनी को जो है इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन कहीं से भी आया है इनकम, बट कंपनी के पास में देखिए दोस्तों इनकम आई है टाटा पावर के पास में। तो हमें टोटल इनकम देखना है चाहे वो कहीं से भी आए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पिछले साल क्वार्टर जो है फोर के अंदर 171.57 करोड़ रुपए की इनकम हुई थी, और इस साल ये बढ़कर 474.60 है, यानी 177% की वृद्धि इसको अंदर देखने को मिली। अब देखिए दोस्तों ईयर ऑन ईयर इसकी बात करते हैं। देखिए पिछले साल 31 मार्च 2019 को जो ईयर एंड होता है उसके अंदर कंपनी को 2605.66 करोड़ रुपये की टोटल इनकम हुई थी, जो बढ़कर इस साल बढ़ी नहीं है, पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019 को जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ था उसके अंदर टोटल जो प्रॉफिट हुआ था सालाना 2605.66 करोड़ रुपए का हुआ था, जो इस साल देखिए फाइनेंशियल ईयर 2020 यानी जो 31 मार्च 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है उसके अंदर जो है नेट प्रॉफिट 1316.44 करोड़ रुपए हो गया। यानी यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस के अंदर कमी देखने को मिली है। यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि क्वार्टर टू क्वार्टर तो यहाँ देखिए वृद्धि देखने को मिली है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर लगभग जो है 50% की जो है गिरावट देखने को मिली है नेट प्रॉफिट के अंदर। देखिए पिछले साल 2605 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, इस साल जो है 1316 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है लगभग, ठीक है, तो इसमें 50% की गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर की, यानी कंपनी के एक शेयर के ऊपर कंपनी को कितनी अर्निंग हो रही है, ठीक है।
देखिए इसके एक शेयर की जो फेस वैल्यू है 1 रुपया है। तो बेसिक एंड डायलेटेड अर्निंग पर शेयर पर इक्विटी शेयर, ठीक है। तो हम डायरेक्टली टोटल ऑपरेशंस आफ्टर नेट मूवमेंट इन रेगुलेटरी डेफरल बैलेंस के ऊपर जो है बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर की। देखिए क्वार्टर फोर के अंदर अर्निंग जो पर शेयर था वो 1.32 था और क्वार्टर थ्री के अंदर 0.57 था। तो यहाँ अर्निंग पर शेयर के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है और पिछले साल के क्वार्टर फोर के अंदर अर्निंग पर शेयर मात्र 0.30 था, ठीक है। तो यहाँ भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर। बट देखिए दोस्तों पिछले साल 31 मार्च 2019 को जो ईयर एंड हुआ था तो सालाना जो है अर्निंग पर शेयर जो था वो 8.08 था, जो घटकर इस साल जो है 3.12 हो गया है। यानी 31 मार्च 2020 को जो ईयर एंड हुआ है उसके अंदर अर्निंग पर शेयर जो है 3.12 है, यानी यहाँ पर जो है गिरावट देखने को मिली है अर्निंग पर शेयर के ऊपर। यानी क्वार्टर टू क्वार्टर तो देखिए ईपीएस जो है बढ़ा है बट ईयर ऑन ईयर बेसिस के अंदर उसके अंदर कमी देखने को मिली है। दोस्तों देखिए पिछले साल जो डिविडेंड के रूप में कंपनी ने 1.30 रुपये का जो है डिविडेंड पे आउट किया था फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के अंदर। लेकिन दोस्तों देखिए इस साल कंपनी ने जो 19 मई 2020 को जो मीटिंग हुई इसके अंदर कंपनी ने प्रपोज किया है, ठीक है, डिविडेंड 1.55 रुपये पर इक्विटी शेयर का। तो डिविडेंड भी जो है कंपनी बहुत अच्छा पे आउट कर रही है। और देखिए दोस्तों इसके क्वार्टर टू क्वार्टर जो है जो रिजल्ट के अंदर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लगभग 177% की वृद्धि जो है देखने को मिली है। तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर जो है प्रॉफिट के अंदर जो है बहुत अच्छी शानदार वृद्धि देखने को मिली है और डिविडेंड भी जो है कंपनी बहुत अच्छा पे आउट कर रही है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि टाटा पावर का जो रिजल्ट है वह एक अच्छा रिजल्ट है, आने वाले समय के अंदर कंपनी के अंदर और अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि टाटा पावर का स्टॉक जो है अभी 33.25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी आज इसके अंदर 85 पैसे 85 पैसे की वृद्धि देखने को मिली। यानी इस स्टॉक के अंदर आज जो है 2.62% की वृद्धि देखने को मिली और 33.30 रुपये के ऊपर ये स्टॉक जो है अभी ट्रेड कर रहा है। दोस्तों कल यानी बीते हुए दिन इस स्टॉक की जो क्लोजिंग हुई थी 32.45 रुपये के ऊपर, आज ये स्टॉक ओपन हुआ था 34.15 रुपये के ऊपर। हाई इसने बनाया 34.60 रुपये का, लो बनाया इसने 33.15 रुपये का। दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में। देखिए स्टॉक जो है फंडामेंटली मजबूत है। 52 वीक का हाई जो है इसका 74.15 रुपये, 52 वीक का जो लो है 27 रुपये। डिविडेंड यील्ड जो है 4.01% अच्छा है। प्राइस टू बुक जो रेशियो है 0.48 है। दोस्तों ये सबसे अच्छी चीज़ है देखने वाली कि देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 0.48 है, यानी इसका मतलब यह है कि यह स्टॉक जो है अपनी बुक वैल्यू की हाफ प्राइस के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस स्टॉक के अंदर निवेश करने के लिए। दोस्तों आगे जो है इस स्टॉक का हम वनडे का जो है चार्ट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये इसका वनडे का जो है चार्ट है, टाटा पावर का ये वनडे का चार्ट है। अभी स्टॉक जो है 33.30 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक के अंदर पिछले 4-5 दिनों से लगातार जो है तेज़ी देखने को मिली है। देखिए स्टॉक के अंदर लगातार पिछले 4-5 दिनों से तेज़ी है। स्टॉक का यानी टाटा पावर का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वह भी अच्छा आया है और पिछले कुछ दिनों के अंदर देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से जो राहत पैकेज जारी किया गया था, प्रधानमंत्री द्वारा राहत पैकेज जारी किया गया था, उसके अंदर भी पावर सेक्टर को जो है बहुत सारी रियायत जो है दी गई है और साथ साथ में जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, यूटीज जो है वहाँ के अंदर भी जो है पावर प्रोडक्शन जो है इन प्राइवेट कंपनियों को देने की बात कही गई है और प्रीपेड मीटर्स जो है लगाने के लिए भारत सरकार ने बोला है। तो आने वाले समय के अंदर जो है ये पावर कंपनियों को मुनाफा हो सकता है, तो टाटा पावर को भी अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। दोस्तों अगर आप मेरी राय जानना चाहें तो जो करंट जो लेवल है 33.30 रुपये, यहाँ पर आप जो है इस स्टॉक के अंदर निवेश कर सकते हैं, या फिर आप जो है इस स्टॉक के अंदर अगर निवेश करना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक के अंदर 32 रुपये से लेकर और 35 रुपये की जो प्राइस जो रेंज है उसके अंदर जो है निवेश कर सकते हैं। यानी 32 रुपये से लेकर 35 रुपये की जो प्राइस रेंज है उसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं और आपको आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट या रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों यहीं पर मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम।